चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अभी लेटेस्ट एडमिट कार्ड के बारे में आया है दोस्तों, जो एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी सीजीएल का दोस्तों, सीएचएल का दोस्तों, ठीक है। तो इसमें अपन साइट पे आए, रेगा स्टडी साइट पे दोस्तों। तो ये साइट पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। क्यों सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का बटन है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है दोस्तों, आपका आपको गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग एक भी मैसेज और अलर्ट आप मिसिंग नहीं कर पाएंगे। ये वेबसाइट के लिए आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, regastudy.co.in, ये गूगल पे आपको सर्च करना है, regastudy.co.in, तो आप गूगल पे आ सकते हैं। इसका यूआरएल ये देखो नीचे, regastudy.co.in दोस्तों, ठीक है। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट आप जा सकते हैं। तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, मैं सब प्रोसेस बताने वाला हूँ। स्टेट वाइज करने वाला है, कौन सी डिवीजन ने आपने भेजा है, यहाँ पे पूरा पढ़ लेंगे, इनके वेबसाइट पे पूरा सब कुछ है, ठीक है। रेगा स्टडी अपना ही वेबसाइट है दोस्तों, रेगा स्टडी चैनल पे आए तो इसका एडमिट कार्ड का यहाँ पे देख सकते हैं, SSC CHSL एडमिट कार्ड 2020 TR1 का एग्जाम है दोस्तों, जो एग्जाम 12 तारीख से शुरू होने वाला है, 12 से 26 तारीख तक डेट दी है, ठीक है। CHL का यहाँ पे उन्होंने सब डेटा है, वही लिखा है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, वही लिखा है 12 से 26 तक अपना SSC CHL का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, TR1 का दोस्तों। तो इसके लिए उन्होंने क्या दिखा है, लिखा है, इसमें पोस्ट कितना है दोस्तों, इसमें पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 4893 दोस्तों, 4893 पोस्ट है टोटल। इसमें पोस्ट नेम क्या है, लोअर डिवीजन क्लर्क PA SA DEO, डेटा ऑपरेटर दोस्तों, ठीक है, DEO का फुल फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। TR1 का है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम TR2 भी होगा आपका। इसका एग्जाम 1 अक्टूबर 2020 फॉर्म लिखा था, तो 12 तारीख से होने वाला है दोस्तों, 12 अक्टूबर 2020 दोस्तों, ठीक है, TR1 का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में हम नीचे आते हैं, सब डेट लिखे आप रीड कर सकते हैं प्रॉपर वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने दोस्तों ये लिंक दिया है, आप कौन से स्टेट में, फॉर एग्जांपल मेरा दिल्ली से हूँ, राजस्थान से हूँ, उत्तराखंड से हूँ, बिहार से हूँ, इधर से हूँ, यहाँ पे लिंक दिया है उन्होंने, बहुत अच्छा ये लिंक देख रहे हो आप। तो फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली की लिंक पे क्लिक करूंगा, दिल्ली में कौन सा आता है दोस्तों, रिलीजन नेम, रिलीजन में कौन सा, नॉर्थ रिलीजन आता है, नॉर्थ ईस्टर्न रिलीजन आता है, नॉर्थ ईस्टर्न रिलीजन में कौन सा स्टेट आता है दोस्तों, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो अभी हम एडमिट कार्ड कैसे करना है दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपसे, आप चैनल पर बने रहे दोस्तों, क्योंकि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं मैं अभी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद ने भी फॉर्म भरा था, ठीक है। तो महाराष्ट्र का है दोस्तों, ये देखो महाराष्ट्र से मैं फॉर्म भरा था, CHL वेस्टर्न रिलीजन दोस्तों, यहाँ से मैंने फॉर्म भरा था महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का इधर लिंक है देखो, लिंक एक्टिव पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्टली उनके वेबसाइट पे जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया है वहाँ पे, तो अभी SSC वेस्टर्न रेलवे का ओपन हो रहा है वेबसाइट दोस्तों, देखो इंटरनेट स्लो होने के कारण से थोड़ा हो गया दोस्तों ओपन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आने तो उनका वेबसाइट पे आया हूँ मैं, ऑफिशियली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दोस्तों, वेस्टर्न रिलीजन मुंबई, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मांग रहे हैं दोस्तों, रोल नंबर, रजिस्टर नंबर मांग रहे, नेम, डेट, ईयर, ये सब फिल करना है सर्च पे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन रोल नंबर आप भूल गए थे, आपका नाम डालना है, फादर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, नंबर डालना है, सर्च करना है। यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ अपना, देखता हूँ मिलता है क्या नहीं, नहीं तो मेरे ईमेल आईडी पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों, क्योंकि जब हम फॉर्म भरते हैं ना तो फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों अपना उनके पास मेल पे भी जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो आप अपना मेल ईमेल आईडी चेक करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले ऐसे ट्राई करके देखते हैं मिलता है क्या नहीं, ओपन होता है क्या नहीं अपना ANANRAO, ठीक। देखो दोस्तों मैंने नाम डाला है, डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ अभी,
इज करेक्ट दोस्तों, ओपन हो गया। मुझे देखो रोल नंबर नहीं डालना पड़ा है ना, रजिस्टर नंबर नहीं डालना पड़ा, तो डालने के बाद भी ओपन हो सकते। देखो इंट्रैक्शन रीड करने को बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने एडमिट कार्ड के लिए, देखो यार एडमिट कार्ड को ओपन हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, दीपेश सावंत, आनंद राव सावंत मेरे पापा का नाम, ये मेरा एड्रेस, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया दोस्तों। देखिए यही रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में बात कर रहा था, जो मेल पे आता है दोस्तों, जब आप फॉर्म भरते हैं तभी ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल आईडी पे जरूर जाते हैं, आप सर्च करोगे तो मिलेगा आपको, ठीक है। और मेरे नाम से खुल गया दोस्तों, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पे आया है, डेट ऑफ एग्जाम, डेट ऑफ 13 तारीख को एग्जाम है, 13/10/2020, आज 11, आज संडे है दोस्तों, 11 तारीख है, शिफ्ट कौन सा है, 4 बजे, 4 बजे का एग्जाम है दोस्तों मेरा, तो मुझे वहाँ 2 बजे तक पहुँचना है ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। 1 घंटा पहले बुलाते हैं वहाँ पे, कहाँ है एग्जाम, नेम ऑफ सिटी मुंबई, मुंबई में ही मेरा फॉर्म एक्सेप्टेड है, ठीक है। मेरा अभी तक एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे देखिए, क्लिक हियर टू प्रिंट प्रिंट योर एडमिट कार्ड विद इंग्लिश इंटरप्रेटर, इंग्लिश के लिए है दोस्तों, ये हिंदी के लिए बेटर है, आपको जो लैंग्वेज समझ में आता है वो लीजिए, मैं इंग्लिश लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि सबको दिखाई दे। ये क्या हो गया दोस्तों, एक सेकेंड ना, फिर से करते हैं, इंग्लिश पे क्लिक किया, एडमिट कार्ड ओपन हो गया दोस्तों। हाँ प्रिंट के लिए जा रहा है, प्रिंट का कमांड आ रहा है दोस्तों, इसके लिए वो ओपन हो रहा है ऐसे प्रीव्यू में। राइट 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 राइट, प्रिंट नहीं, प्रिंट के लिए आ रहा है, मुझे आपको दिखाना है एडमिट कार्ड, फिर बाद में प्रिंट का देखेंगे, ठीक है दोस्तों, या सेव करके मैं आपको दिखा दूँ, वो डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेट सेव कर रहा है दोस्तों कंप्यूटर में, और उसके बाद वो बोल रहा है दिखाने को, ये देखो वो ओपन हो गया, ये एसएससी वेस्टर्न डिवीजन का जो को दोस्तों मैंने भरा था, ठीक है। ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों, ठीक है, ये मेरा फोटो है, ये देखो दोस्तों 13/10/2020, 13/10/2020 दोस्तों कब है समय, मुझे 2:30 को वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइमिंग है दोस्तों, ठीक है। प्रवेश कितने बजे बंद होगा, 3:30 बजे बंद होगा दोस्तों, 3:30 को बंद करेंगे गेट, कंपलसरी है, इसके बाद जाएगा तो नहीं लिया जाएगा, 1 मिनट भी जाएगा तो आप गेट से भगा देंगे। ये मेरा नाम है दोस्तों, फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है मेरा, एड्रेस यहाँ पे देखिए दोस्तों, एग्जाम का टाइमिंग पर सब इधर मेंशन किया है, ठीक है। क्या लिखा है इसमें देखो दोस्तों, 13/10/2020, 4 बजे से 5 बजे, 1 घंटे का पेपर है दोस्तों, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के लिए, और आपके पास टाइम रहेगा 90 मिनट्स, ठीक है दोस्तों, 90 मिनट्स नहीं दोस्तों कम रहेगा, 1 सेकंड पूरा रीड करते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सब दिया है, सामान्य बुद्धिमत्ता तर्क शक्ति 50 मार्क्स, सामान्य इंटेलिजेंट एप्टीट्यूड टेस्ट 50 मार्क्स, इंग्रेजी संख्यात्मक 50 50 50 दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, ये पूरा इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, क्या क्या लगेगा, दो फोटो लगेगा आपका, फोटो कॉपी, एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उसका एक जेरोक्स लेके जाना है साथ में दोस्तों, ठीक है। आपको डुप्लीकेट कुछ सर्टिफिकेट लेके नहीं जाना है दोस्तों, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और 2 कंपलसरी कलर फोटो चाहिए आपके पास, ठीक है, वहाँ पे लगाने के लिए। तो ये गलती मत कीजिए, एक फोटो लेके जाइए, वो ओरिजिनल नहीं लेके जाइए, आप रिजेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। आईडी प्रूफ कंपलसरी है, फेस मास्क कंपलसरी है, हैंड सैनिटाइजर स्मॉल बॉटल उन्होंने इंट्रक्शन दिया, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ठीक है दोस्तों, प्रिंटआउट कोविड-19 से डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोवाइड विद एडमिशन सर्टिफिकेट दोस्तों, एक नया फॉर्म दिया है उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए दोस्तों, ठीक है, वो फॉर्म ये इसमें है, दिखाता हूँ मैं आपको, इधर नीचे होगा, इधर ये फॉर्म है दोस्तों, ये देखो ये फॉर्म कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जिसके बारे में चल रहा था, ठीक है, ये फॉर्म भरना है आपका, रोल नंबर, नेम, डेट, एग्जाम शिफ्ट करके सिग्नेचर करके वहाँ पे फिल करना है दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है देखो दोस्तों, ये पढ़ना है आपको एग्जाम के जाते समय, कैसा रहेगा ऑनलाइन, अब एग्जाम आंसर देंगे तो ग्रीन हो जाएगा, नहीं देंगे तो रेड हो जाएगा, नॉट आंसर वाइट रहेगा, ये सब इंट्रक्शन दिया है, एरो कैसे यूज करना है, क्या करना है, कंप्यूटर सिस्टम है, सीबीटी आपका एग्जाम होने वाला है उसके तरफ से बता रहे पूरा इंट्रक्शन, ठीक है। इसमें आप पूरा देख सकते हैं क्या है क्या नहीं, उन्होंने पूरा सब दिखा है कंप्यूटर में, कैसे होने वाला है एग्जाम, नेक्स्ट कैसे करना है, सेव कैसे करना है दोस्तों, ठीक है, ये पूरा आप पीडीएफ रीड कीजिए दोस्तों, ठीक है।
आपको ये पीडीएफ rigastudy.co.in ये वेबसाइट पे जाना है दोस्तों, co.in rigastudy.co.in पे जाके आपको ये वेबसाइट देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद सबका। जय हिंद दोस्तों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपको पसंद आया होगा तो। जय हिंद दोस्तों।